Hey guys, so welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely fine. और कबाड़ी वाले आई होप सब अच्छे होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा. आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और जबकि मैं लेट हो चुका हूँ वैसे तो, क्योंकि मेरी सिस्टर और मैं आज जा रहे हैं स्पीति, और उसको थोड़ा सा सुबह फीवर जैसा कुछ था, तो इसीलिए अभी हम लेट निकल रहे हैं. वैसे निकलना था सुबह 4 बजे, और अभी हो गया टाइम अराउंड 10 o'clock होने वाला है इन द मॉर्निंग. बट अभी आज का प्लान था कि हमें शिमला पहुंचना है, बट अभी का प्लान ये रहेगा कि चंडीगढ़ तक पहुंचना है. बट ये जो राइड है ये बहुत अमेजिंग होने वाली है और बहुत लंबी चलने वाली है. आज एक और राइडर हमारे साथ है जो कि आपके लिए एक सरप्राइज है. वो राइडर नहीं है, वो मेंटल है, थोड़ी पागल है, जल्दी है. ये इधर तो आओ. ये हमारे साथ जाएगी राइड पे. अब ये रेडी है, ये नहा चुकी है, अब मैं रह रहा हूँ. चले जय माता दी. सो फाइनली वी आर लेफ्ट. 11:05 हो गए हैं और हम फिलहाल अभी चंडीगढ़ के लिए निकले हैं रेवाड़ी से. अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा. वैसे तो शाम हो जाएगी, आज के 4-5 तो बज ही जाएंगे, बट लेट्स सी. वी लेफ्ट NH8 एंड हेडिंग टूवर्ड्स कुंडली एक्सप्रेसवे. वेलकम टू वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, योर पार्टनर इन प्रोग्रेस. ये हाईवे पूरा खाली है, पूरा और हमेशा ज़्यादातर ये खाली रहता है. बाकी चारों तरफ सारी तरफ खेत ही खेत है. पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये हरियाणा का, जहाँ पे मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. सो इसीलिए यहाँ पे सारे फार्म में आपको दिखेंगे, जितने भी फार्म्स आपको बहुत मोस्टली वही दिखेंगे. इट्स 12:45 and we have completed around 120 kilometers and 230 kilometers are left, 3 hours and 50 minutes. मूर्थल आ गया है अभी और 12:56 हो गए हैं. 217 kilometers अभी और बचा है. झेलमिल ढाबा अभी आगे, एमरिक सुखदेव आएगा, मन्नत पीछे चला गया है. तो आई एम एट करनाल. 156 हो गए हैं और 3 घंटे हो गए हैं और फर्स्ट ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, और 200 किलोमीटर्स हो गया है 3 घंटे में. करनाल पहुंच गए फाइनली, और अभी 150 किलोमीटर ग्राउंड और बचा है. यहीं पे रुकेंगे हाईवे पे ही. अभी वैसे तो करनाल 9.8 किलोमीटर है, बट वो अंदर बस स्टैंड दिखा रहा होगा, इसलिए हम हाईवे पे ही यहाँ पे कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. थक गई, थक गए, थकी नहीं, ये अभी थाली आ गई है जिसको हम अभी खाएंगे, और अभी ये खाएगी ये सारा. इसकी नजरें देखो. अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम. चल ये अभी मेरा एक फ्रेंड आया था शिवांकर, यहाँ पे मिलने करनाल, ये यहीं पे रहता है, तो आज इससे भी मिल लिए. अभी 4:51 हुए हैं और सनसेट होने वाला है. उधर की साइड सन ऑरेंज हो गया है, और अभी चंडीगढ़ है यहाँ से 50 किलोमीटर्स के अराउंड, 1 hours नियर अबाउट 1 hour, और चंडीगढ़ ऊपर आ गया है. साइन बोर्ड 49 किलोमीटर्स लेफ्ट. एक और राइडर सामने दिख रहे हैं हमें. सो फाइनली वी आर इन चंडीगढ़. सो फार सो गुड. 4.6 किलोमीटर लेफ्ट, 15 मिनट्स एंड शिमला इज 120 फ्रॉम देयर. शाम हो चुकी है, 5:30 बज गए हैं, सनसेट भी हो चुका है, ठंड भी हो चुकी है.
और हम चंडीगढ़ भी हो चुके हैं, ट्रैफिक भी हो चुका है। दिस इज द मेन मार्केट ऑफ चंडीगढ़, लुक एट द मैकडी ओवर देयर एंड आई हैव टू गो टू डेकैथलॉन। डेकैथलॉन जाना है। सो दिस इज द डेकैथलॉन ऑफ चंडीगढ़। काफी बड़ा है ये वाला। तो अभी यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ बाइक पे। पार्किंग में यहाँ पे मैंने खड़ी करी है और दिव्या अंदर बिलिंग करा रही है। जो भी अब उसने अपने शूज़ वगैरह लेने थे वो यहाँ से अब इसने ले लिया। अब हमारा रह गया कोई 16 किलोमीटर्स का। तो मैं अब अपने बैग वापस, अभी मैं चूज़ तो अंदर जाके कराया हूँ, बैग मेरे को अपने सारे माउंट करने दोबारा से, मतलब कि जो मेरा टैंक बैग है वो माउंट करना है, वो माउंट करता हूँ और फिर आपको गोप्रो में मिलता हूँ इसके बाद। और अभी शाम के 7 बजने वाले और अब बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज, बुरा हाल है यहाँ पे चंडीगढ़ में। आते ही ट्रैफिक में फंस गए हैं। माय गॉड, अभी यहाँ से 17 किलोमीटर्स हो रहे हैं, 37 मिनट्स। डेकैथलॉन से शॉपिंग हो गई है, शूज़ लेने थे वो ले लिए हैं, वहाँ के लिए स्नो शूज़ नहीं थे इसके पास। और पूरे हरियाणा दिल्ली डेकैथलॉन के जितने सेंटर हैं सब पे देखे थे, वहाँ पे नहीं मिले थे, इसलिए चंडीगढ़ से लेने पड़े। आज चंडीगढ़ का बुरा हाल है, मिट्टी देखो कितनी है, कितनी ज़्यादा जाम, पूरा ट्रैफिक और पूरा रेत रेत। बाकी साइडों में बड़ा सुंदर है पर ये रेत और जाम जानलेवा है। सो फाइनली मैं अभी चंडीगढ़ पहुंच गया हूँ और थक बहुत ज़्यादा गया हूँ। डिनर हमने कर लिया, अभी मैं हम अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे हैं क्वार्टर में। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना बिल्कुल भी। नेक्स्ट एपिसोड आना है जिसके अंदर शिमला जाना है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। यार प्लीज कबाड़ी वाले आगे जाके बोल ले।